औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ैन अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स के टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के मुतालिक डिस्कस किया, आज हम एक्सरसाइज 1.2 की डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में मूव करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितनी किस्म के होते हैं। तो आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ध्यान करिएगा, ये लेक्चर बड़ा ही अहम है। अगर आपने मैट्रिक्स की टाइप्स को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं करेगी। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पहले मैट्रिक्स की टाइप हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, दैट हैज ओनली वन रो, जिसमें एक रो होती है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। एग्जांपल, जैसे कि हम फर्ज करें एक मैट्रिक्स ए 1 और 5। अब हमें ऑर्डर तो निकालना आ गया, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं? अब देखिए कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो है और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 2 है, 1/2। कॉलम जितने मर्जी हो, रो कितनी है? रो तो एक है ना हमारे पास। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो हो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। इसी तरीके से इसकी सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स उसी तरह का मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स बी है 1, 5। इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक, 2 रोज है और एक कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या लगेगा? 2/1। आप इसकी कॉलम की तरफ देखना, इसकी कॉलम कितने हमारे पास? 1 है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके बाद थर्ड टाइप जो इसकी है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए रेक्टेंगल की शेप क्या होती है? एक रेक्टेंगल हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है। ये दो साइड्स और ये दो साइड्स बराबर, ये इस शेप का भी हो सकता है और ये इस शेप का भी। जो रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यानी कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। कैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे हमारे पास, वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स 1, 5, 6, 7, 2, 1। अब देखिए इसमें कितनी रोज है हमारे पास? इसमें ये 2/3 का एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज 3 और 3 कॉलम, इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आप देखें, देखें एक रेक्टेंगल की शेप भी आ रही है इसमें। और एक मैट्रिक्स अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, बी है 1, 4, 9, 7, 1, 3। ये सारी एग्जांपल्स मैं अंदर से स्पोज कर रहा हूँ। इसमें भी देखें ये क्या है, ये भी एक 3/2 का मैट्रिक्स, इसमें 3 रोज 2 कॉलम्स है, तो इसके भी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्या होगा हमारे पास? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। और देखिए ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप का है। इसके साथ ही चौथी टाइप हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? देखिए अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की शेप से नजर आ रही होगी कि स्क्वायर के, अब स्क्वायर की शेप का ही होता है तकरीबन। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर। तो देखिए ना, सारे दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। अब रो कॉलम में कहता है एक रो होती है, इसमें कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम होता है। रेक्टेंगुलर स्क्वायर में, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? एक नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर नहीं होते। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो नंबर ऑफ रोज कॉलम बराबर होते हैं। मिसाल के तौर एक मैट्रिक्स ए ही ले लेती है 1, 3, 4, 9 और एक मैट्रिक्स बी ले लेती है, या चलो बी अभी हम बाद में करते हैं, तो मैट्रिक्स ए देख लेते हैं। इसमें देखें कितनी रोज, इसमें 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 2 रो 2 कॉलम है। इस तरीके से एक मैट्रिक्स बी ले लेती है 1, 6, 9, 2, 1, 7
091। अब देखिए इसमें कितनी रोज है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है हमारे पास, ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स में मूव करें टाइप के, तो वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं उसको, जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नाम से जाहिर है नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, जीरो होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, याद रखना नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। नल मैट्रिक्स को किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, इसकी ये इसका सिंबल है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एंटिटी ऑल एंट्रीज आर जीरो, तमाम एंटिटीज क्या होती हैं इसकी, जीरो। मिसाल एक मैट्रिक्स ओ ही दे देती क्योंकि ओ से डिनोट करती 0 0 0 0। अच्छा, अब इसमें देखेंगे जरा बच्चे, यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। आल दो इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है, लेकिन इसकी अगर एंटिटीज की बात करें तो इसकी तमाम एंट्रीज क्या है, जीरो है। तो लिहाजा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है आप इसको नल मैट्रिक्स कहें या इसको जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। इसके बाद किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इको 0 0। आप इसके अंदर देखिए, आप एक ही रो है, रो एक है, रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि तमाम एंट्रीज जीरो है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। इस बात का क्या मतलब है? नल मैट्रिक्स के बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है वो आती है हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अगर एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, एक मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूं, पहले हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स की मैं रोज चेंज कर दूं इनटू कॉलम, एक मैट्रिक्स ए की रोज को चेंज कर दूं मैं कॉलम्स के अंदर, यानी कि रोज को चेंज कर दूं मैं कॉलम्स के अंदर, या फिर मैं उसके कॉलम्स को चेंज कर दूं इनटू रोज। एक काम करना, दोनों काम नहीं करना, या तो आप उसकी रोज को कॉलम में चेंज करें या फिर कॉलम को रोज में चेंज करें। क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूं। एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 5 2 9। अब देखिए इस मैट्रिक्स में 1 5 क्या एक रो है, ये 1 5 एक रो है। अब मैंने अगर इसमें ट्रांसपोज लेना है तो मैं क्या करूंगा, अब इस 1 5 को मैं चेंज कर दूंगा, ये रो है यहाँ पे आगे कॉलम बना दूंगा। 1 5 रो थी, रो को चेंज कर दिया मैंने कॉलम, रो को मैंने कॉलम बना दूंगा। इस तरीके से 2 9 एक रो थी, मैंने उसको यहाँ पे कॉलम बना दूंगा, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं हम, अगर एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसके ऊपर स्मॉल टी लिख देंगे, स्मॉल टी का लिख देना, वो क्या कहलाता है, ये स्टैंड करता है ट्रांसपोज। तो ए के अगर मैट्रिक्स जिसका लिया हमने, अगर उसको स्मॉल टी लिख देंगे तो ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज कैसे लेना है, सब इस ट्रांसपोज को समझिए कि अगर मैं रोज को चेंज कर दूँ कॉलम्स के अंदर, जिस तरह ये 1 5 एक रो थी, रो को मैंने चेंज कर दी कॉलम के अंदर 1 5 कर दी, 2 9 एक रो थी, रो को चेंज करके मैंने कॉलम के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेंगे, जैसे कि मैट्रिक्स बी है 4 कर लेते हैं और 9 कर लेते हैं, 4 और 9 एक मैट्रिक्स है। अब इसमें कितनी रोज है मेरे पास, मेरे पास बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, हमारे पास स्मॉल टी का मतलब ए की रो है 4 9, इसको कॉलम बना दें,
तो ये क्या कहलाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है जी नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर हम साइन चेंज करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? देखिए नेगेटिव का मतलब आपको पता है माइनस, माइनस का साइन नेगेटिव। अगर एक मैट्रिक्स के मैं जस्ट साइन चेंज करूं, साइन चेंज करूं, यानी कि उसको मैं बेसिकली माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, नेगेटिव सॉरी माइनस वन से। माइनस के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी वैल्यू को साइन चेंज कर देता है। अगर एक मैट्रिक्स के मैं साइन चेंज कर दूं तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक हो गया। मिसाल के तौर एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, 1-4, 2-3 है। मैंने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाला तो माइनस सी मैट्रिक्स ए को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1, -2, -4 और -3। अब माइनस साइन क्या करेगा? नेगेटिव। अंदर के सारे साइन चेंज कर, ये क्या हमारे पास 1, ये -1 हो जाएगा, ये क्या है 2 प्लस का है, ये -2 हो जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा, ये -3 तो ये +3 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास आ रही है ये समझने वाली बात है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स ए का मैं क्या लेता हूँ? ट्रांसपोज लेता हूँ। एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। अब एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर आंसर वही आ रहा है जो मैट्रिक्स ए है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? वही अगर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, जो मैट्रिक्स ए है उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के बाद भी आंसर वही आ रहा है जो पहले मैट्रिक्स ए का था, तो ये ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इस एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, बुक में दी गई है m दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2-1, 4, 3, 4, 0। अब मैं इसका क्या लेता हूँ? ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लेना अभी सीखा, ट्रांसपोज क्या करता है? ट्रांसपोज में ये होता है कि हम इसके रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। ये 1, 2, 3 क्या है? रो है, इसको कॉलम बना दूँ। 2-1, 4 ये क्या रो है, इसको कॉलम बना दूँ, और ये इसके रो, इसको कॉलम बना दूँ। अब देखिए, अब एक मैट्रिक्स m का मैं ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी आंसर वही आया जो पहले मैट्रिक्स ए का। यहाँ पे ये कंडीशन क्या होगी? टेस्टिफाई होगी, मतलब जस्टिफाई होगी, तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। इसी के साथ एक और आते हैं टाइप मैट्रिक्स, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है। अगर एक मैट्रिक्स ए, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूं, और एक उसी मैट्रिक्स ए का अगर मैं नेगेटिव मैट्रिक्स भी लेता हूं माइनस, और नेगेटिव लेने के बाद दोनों आपस में बराबर आ गए, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? स्क्यू मैट्रिक्स। बात सुन ली? अगर एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसको ट्रांसपोज लेता हूं, और उसी मैट्रिक्स ए का मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूं, नेगेटिव किस तरह लेते हैं? जिस तरह मैंने अभी आपको सिखाया, तो साइन चेंज कर देता हूं। नेगेटिव लेने के बाद और ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों का आंसर अगर बराबर आ जाए तो वो मेरे पास क्या कहलाता है? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि बुक ने एक एग्जांपल दी हुई है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 0, 2, 3। मैं बुक वाली एग्जांपल यहां पे फिलहाल दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपको। -3, -1, 4, 0। अब एक मैट्रिक्स, इस ये मैट्रिक्स ए है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज का मतलब मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देता हूं। ये रो है, इसको कॉलम में 0, 2, 3। ये रो है 2-2, -2, 0, 1 और -3, -1 और 0, ये इसका ट्रांसपोज होगा। अब इसी तरह इस मैट्रिक्स ए का मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लेता हूँ, नेगेटिव का तो साइन चेंज कर देते हैं, जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आता, -2 हो गया -3 हो गया, ये +2 थे -3 हो गया +3 था -3 हो गया, -2 था ये +2 हो गया, जीरो के साथ कोई साइन नहीं आता, ये +1 था -1 हो गया, ये -3 था ये 3 हो गया, और ये -1 था 1 हो गया, और ये जीरो के साथ साइन नहीं आता। अब देखो, एक मैट्रिक्स ए का मैंने ट्रांसपोज लिया और उसी मैट्रिक्स ए का मैंने नेगेटिव मैट्रिक्स लिया, दोनों के आंसर आपस में बराबर आए, यानी यहां पे ये इक्वेशन जस्टिफाई होगी, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर पे हमारे पास आ रही है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का वर्ड समझो, डायगोनल किसे कहते हैं? लेफ्ट
साइड से जो डाउन आ रहा है, इस पर उसके बाद डायगनल। इस डायगनल के टर्म्स को आपने क्या करना है, याद रखना है। एक मैट्रिक्स जिसकी डायगनल वैल्यूज क्या हो, नॉन जीरो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज क्या है वो क्या हो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, डायगनल एंट्रीज जीरो ना हो और एक्सेप्ट डायगनल्स, उस डायगनल के अलावा सारी एलिमेंट्स जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एंट्रीज नॉन जीरो हो, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब नॉन जीरो हो और डायगनल्स एक्सेप्ट डायगनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरो, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट डायगनल मैट्रिक्स हो। जैसे कि मैट्रिक्स ए 1 0 0 6, अब इसमें डायगनल एंट्रीज देखें, देखिए ये डायगनल है 1 और 6 डायगनल। अब डायगनल इसके अंदर क्या है, नॉन जीरो है और डायगनल के अलावा वैल्यूज क्या हमारे पास, जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगनल मैट्रिक्स होगा। डायगनल मैट्रिक्स से इस बात का ख्याल रखना कि ये दो एलिमेंट्स जो हमारे पास है सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स वी ले लेते हो 6 0 0 0 9 0 0 0 7। अब इस मैट्रिक्स में देखें डायगनल एलिमेंट्स 6 9 और 7, ये क्या है, डायगनल एलिमेंट्स है, ये क्या है, नॉन जीरो है, बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो। तो ये डायगनल मैट्रिक्स हो। अब देखें डायगनल में वैल्यू सेम भी नहीं है, हाँ अगर देखें तीन रो तीन कॉलम का मैट्रिक्स है ना, अगर तीन रो तीन कॉलम में दो वैल्यू सिमिलर आते हैं, दो एंट्रीज, मिसाल के तौर पर 7 की जगह अगर मैं इसको भी 6 कर देता हूं, एक तो डिफरेंट आ गई ना, एक तो मतलब एंट्री क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो ये टू रो टू कॉलम होता तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, इसमें तो ऐसे ही होगा दोनों डिफरेंट होगी, लेकिन ये तीन रो तीन कॉलम क्या आगे फोर रो फोर कॉलम्स को आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया डायगनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। तो इसमें क्या होगा, ये दो कम अज कम एक एंट्री क्या होगा, नॉन जीरो डिफरेंट हो, बाकी सारे चाहे सेम भी हो जाए, लेकिन कम अज कम एक एंट्री वो कहीं भी हो सकती है डायगनल के अंदर, वो सेम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डायगनल के बाद जो अगली हमारे पास टर्म आती है वो आती है स्केलर मैट्रिक्स। ये अहम टाइप्स है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये भी डायगनल, वो डायगनल की एक्सटेंशन और स्केलर मैट्रिक्स की टाइप है। इसमें डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, डायगनल एंट्रीज इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, जीरो के इक्वल नहीं होंगी, ठीक हो गया, जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी एंड सेम होगी, ये बात एक्सेप्ट वन। इसमें डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, जीरो के इक्वल नहीं होंगी, जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होंगी और सेम होंगी, क्या होंगी, सेम होंगी एक्सेप्ट वन, वन के अलावा वन नहीं होगा, ठीक है। बाकी नॉन डायगनल्स क्या होंगे हमारे पास, नॉन डायगनल जो इसके अलावा वो क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स देखें, एक मैट्रिक्स ए 5 0 0 5, अब इसमें देखें डायगनल वैल्यूज 5 5, ये डायगनल वैल्यूज है, ये क्या है, नॉन जीरो है और नॉन डायगनल्स जीरो है और सेम है, 5 5 सिमिलर है, वन नहीं है, वन नहीं होगी, ठीक है, वन की अलग है। एक मैट्रिक्स बी है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, अब जरा देखें इसकी डायगनल एंट्रीज नॉन जीरो है, सेम है और नॉन डायगनल इसकी क्या, जीरो। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। तीन कंडीशन देखनी, डायगनल एंट्रीज जीरो के इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल नहीं है, सेम है, सेम होनी चाहिए, एक्सेप्ट जीरो, जीरो वन के अलावा होगी, ठीक हो। और लास्ट टाइप है हमारी आज की, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में छुपी हुई है, लेकिन ये आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसको याद रखना, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसी की एक स्ट्रक्चर है, जिसकी डायगनल वैल्यूज क्या हो, डायगनल वैल्यूज क्या हों,
इज नॉट इक्वल टू जीरो, चल रहा है ठीक है, बट ओनली वन, ठीक है, डायगोनल वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होंगे लेकिन सिर्फ वन होंगे, एक आया ठीक होगा, और नॉन डायगोनल जीरो होंगे। जैसे एग्जांपल यहां पे देता हूं, जैसे कि आई एक मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बिलोंग करता है 1 0 0 1। अब देखिए इसमें डायगोनल वैल्यूज क्या है, सेम है, नॉन डायगोनल जीरो है और 1। इस तरीके से एक मैट्रिक्स आई कर लेते हैं कोड दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल वैल्यूज हमारे पास एक ही हो। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, फिर भी अगर किसी किसी को परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।